खरगोन जिले में काटन व्यवसायी की आंखों में मिर्च डालकर दो लोगों ने 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल जिले के सेगांव में दिन दहाड़े दो अज्ञात बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर काटन व्यापारी रमेश चंद्र अग्रवाल से 1 लाख से अधिक की लूट को अंजाम दिया है। दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और उक्त घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके जांच में ले लिया है। पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवेचना शुरू की है और जल्द ही दोनों आरोपियों को ढूंढ निकालेंगे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या है मामले? ये सेगांव में कपास के व्यापारी थे, उनकी ऑफिस में ही जब वो सुबह पहुंचे अगरबत्ती लगा रहे थे तभी दो लोग आए, दो तीन मिनट वहाँ रुके, मिर्च का पाउडर आंखों में डाला और उनके पास रखा हुआ बैग जिसमें करीब 1 लाख रुपए का लुकाता पड़ा है कि वो थे, वो लेके वहाँ से निकल गए। तो इस घटना की जानकारी जैसे ही मिली हम लोग इसमें एक्टिवेट हुए, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हमारे मैत्री जो हैं SDP साहब अभी वहीं मौके पर हैं, आसपास के कैमरे देख रहे हैं, संदियों को तलाश कर रहे हैं, जो पुराने और बात आते हैं, चेकिंग भी लगाई गई है, काफ़ी कुछ इसमें कर रहे हैं प्रोग्रेस। आरोपियों को किसी ने देखा था? वैसे कोई पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन ये दो लोग थे करीब 30 वर्ष की आयु के आसपास के और एक बाइक से आए। ये बाहर के हो सर, इधर के आरोपी लग रहे कुछ? ये तो पकड़ नहीं पाता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।